There is no better opportunity than Biz Gurukul right now in India, affiliate marketing business. I strongly feel that. के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर रॉबिन मैथ्यू, जिन्होंने मात्र 40 दिन के अंदर ही 1,00,000 रुपए की इनकम को हिट किया था विद बिज गुरुकुल। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत अच्छी लीडरशिप एबिलिटीज, बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज भी उन्होंने दिखाई। बिकॉज हम हॉल ऑफ फेम के अंदर सिर्फ किसी फाइनेंशियल अचीवर को नहीं लेकर आते, हम उन लोगों को लेकर आते हैं जो हमारी कंपनी के जो 7 वैल्यू सिस्टम हैं उनको रिलीजियसली फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपना बिजनेस करते हैं, एंड जो दूसरों के लाइफ में हमेशा वैल्यू एडिशन करते हैं, और लोग जिनकी डिमांड है, मतलब लोगों में जो जानना चाहते हैं, जो उनके बारे में सुनना चाहते हैं, राइट। सो जो मिस्टर रॉबिन मैथ्यू हैं वो एग्जैक्टली इन सारी चीजों पे खड़े उतरते हैं, हमेशा लोगों की हेल्प के लिए रेडी रहते हैं, हमेशा बिज गुरुकुल की इमेज को और बेटर करने में लगे रहते हैं, और उनकी वजह से आज इतने सारे लोग इंस्पायर होकर अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं, और ना सिर्फ वो अच्छी इनकम कमा रहे बल्कि उन्होंने अपनी टीम में भी बहुत सारे लोगों को अच्छी इनकम तक पहुंचा दिया है। सो क्विकली लेट अस इनवाइट नन अदर देन मिस्टर रॉबिन मैथ्यू। रॉबिन वेलकम, एंड वी टाइप क्लैप्स इन द कमेंट्स लेडीज एंड जेंटलमैन टू वेलकम रॉबिन। हाय रॉबिन, गुड इवनिंग। थैंक यू रोहित, थैंक यू सो मच। आप इतना लाइक यू नो मैं नर्वस हो रहा हूं अभी थोड़ा सा विद दैट इंट्रोडक्शन, मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा। एनीवेज देखो सच तो सच है। Thank you so much. Yeah. So, ready, Robin? Shall we start? Yeah, ready. Awesome, great. So, Robin, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, who is Robin Mathew? The ultimate question. Okay, so Robin Mathew, मैं इसको short रखूँगा. Robin Mathew, you know, एक middle class, you know, बंदा है जो एक middle class family से आता है, जिसके बहुत सारे dreams हैं, जिसको यू नो अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, जिसको अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, यू नो जो एक जॉब के सिचुएशन में भी रह चुका है, और उसने वो यू नो जॉब का जो सिचुएशन है यू नो आज के डेट में, जैसे लोग को यू नो 10-10, 12-12 घंटे काम करने होता है, और उनको यू नो दे डोंट गेट दैट फाइनेंशियल यू नो जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है वो उस जॉब से नहीं मिल पाता है, और वो उसके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं कि यार मुझे बहुत यू नो मुझे और भी कुछ करना है, मुझे यू नो आई वॉन्ट टू, मेरे को अपनी अपने पेरेंट्स के लिए करना है, अपने मॉम के लिए कुछ करना है, अपने डैड को रिटायर करना है, मॉम को रिटायर करना है, यू नो मुझे उनको एक वर्ल्ड टूर पे भेजना है, मुझे उनको यू नो जो भी उनको जो चीज वो लोग नहीं कर पाए मुझे उनको वो देना है। सो आई एम मैं एक वही एक मिडिल क्लास फैमिली मेंबर हूँ जिसके वो सारे ड्रीम्स हैं और जो फुलफिल करना चाहता है वो। सो या और मेरा मतलब मेरे क्वालिफिकेशंस, इन टर्म्स ऑफ माय क्वालिफिकेशंस, आई हैव जस्ट डन माय 10th grade because मेरा studies में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, and जब मैं school में था तो मेरे grades class 8 से drop होने शुरू हो गए थे, और you know मतलब मेरा interest creative चीजों में बहुत ज़्यादा था, you know मतलब मैं हमेशा कुछ different करना चाहता था। मैंने music, मेरा बहुत ज़्यादा interest music में था, you know to learn musical you know music instruments, then मेरा interest था theater में, मेरा interest था you know in everything that is creative, और मेरा इंटरेस्ट था बिजनेस फील्ड में भी। तो जब भी मैं यू नो जब भी मैं स्कूल में भी था तब भी मैं बहुत सारी चीजें ऐसे यूट्यूब पे सर्च करते रहता था, अबाउट म्यूजिक, अबाउट थिएटर, अबाउट बिजनेस, सब कुछ हट के एकदम अलग, लाइक यू नो जो नॉर्मल लोग नहीं करते उनसे हट के था मेरा हमेशा विजन कि मैं कुछ अपने लिए कुछ नया करूं, कुछ क्रिएटिव करूं। और फिर वहीं से देन आई गॉट इनटू अ जॉब, एंड you know मैंने कुछ you know चीजें सीखी in terms of music, arts and theater, मैंने काफी कुछ करा, फिर you know एक regular job भी करी मैंने, और फिर you know जब मैं job में था फिर वही you know job में से फिर then I was like यार मेरे को यहाँ से उतना satisfaction नहीं मिल रहा है, मुझे और भी कुछ करना है, और then that is the time जब you know मेरे को मैं books काफी सारे self help books से मैं introduce हुआ। ओके, सो सेल्फ हेल्प बुक्स जैसे रॉबर्ट कियोसाकी की एक बुक थी रिच डैड पुअर डैड, ठीक है, रिच डैड पुअर डैड से मैं इंट्रोड्यूस हुआ, और वो भी जब मैं बिजनेसेस के बारे में यू नो यूट्यूब कर रहा था, मैं सीख रहा था कि यू नो क्या क्या बिजनेसेस हैं, यू नो व्हाट ऑल बिजनेस आर देयर आउट देयर, यू नो क्या क्या पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, तो वीडियो से मैंने सीखा कि यू नो जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं वो बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ते हैं। वहीं से फिर मैंने रिच डैड पुअर डैड के बारे में मैंने पढ़ा, और जब मैंने वो बुक पढ़ी मैंने, उसमें एक बहुत
बहुत एक यूनिक चीज उसमें बोली गई थी कि अगर आप फिजिकली बिजी रहेंगे लाइफ में, अगर आप फिजिकली बिजी रहेंगे लाइफ में तो आपका जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है आपके बॉडी का, विच इज द माइंड, वो फ्री नहीं रह पाएगा आपका कभी भी अगर आप फिजिकली बिजी रहेंगे किसी चीज में। और जब आप फिजिकली बिजी रहते हैं तो आपका माइंड सोच नहीं पाता है कि और क्या हो सकता है लाइफ में और पॉसिबिलिटीज क्या है। सो दैट इज व्हाट मेड मी रियलाइज कि हाँ यू नो दिस इज ट्रू। तो मैं अभी जो कर रहा हूँ, जो मैं जॉब कर रहा हूँ जो भी है, और जब मैं ये सारी चीजें बोल रहा हूँ गाइज, ये सारी चीजें मैं यू नो मैं ये नहीं लेना चाहता कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब भी आपको कुछ शुरू करना होता है, जब भी कोई बिजनेस शुरू करना होता है तो आप शुरू करते एक जॉब से ही हैं, आप एक जॉब से ही शुरू करते हैं। और जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं 10th पास हूँ और मैंने अपनी 12th नहीं करी, दैट वाज यू नो दैट वाज मे बी वन ऑफ द मोस्ट स्टुपिडेस्ट डिसीजंस ऑफ माइन, यू नो आई वुड नॉट से दैट दैट वाज कि वो एक बहुत वाइज डिसीजन था, नहीं मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपको भी वो करना चाहिए, नहीं आपको बेसिक एजुकेशन डेफिनेटली करना चाहिए, बिकॉज आज के डेट में जब मुझसे कोई पूछता है कि यू नो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार अगर मैं लोगों को बोलूंगा कि मैं जस्ट 10th पास हूँ तो वो लोग क्या शायद मेरे को जज करेंगे, नहीं करेंगे, तो उसको यू नो जस्ट टू कॉन्कर दैट यू शुड डेफिनेटली डू योर बेसिक एजुकेशन, ठीक है। सो मतलब वो मेरा एक बहुत ही गटसी डिसीजन था, ठीक है, बट आई डोंट रिग्रेट दैट, बट एट द सेम टाइम मैं ये नहीं बोलना चाहता था कि आप भी वो डिसीजन लें। You should definitely finish your basic education, you know, maybe, you know, get into a job or, you know, kuch wahan se seekhein, kuch paisa ikhatta kare and then, you know, get into a business. So that is who I am. I am a middle class family member who has dreams, who took some gutsy decisions, who, you know, read books and got into business. Right. So aapki is communication se mujhe do baatein samajh mein hai ke ek kamyab hone ke liye insaan ko gutsy to hona padega aur sapne to dekhne padega. And दूसरा आपके लंबे बालों का कारण भी समझ में आ गया कि आप म्यूजिक में इतना इंटरेस्टेड हो इसलिए, इज दैट द रीजन? यस 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 यस, ये लॉकडाउन का जो टाइम है पूरा यू नो मेरे को एक रीजन मिल गया था बाल बढ़ाने का, बस दैट्स इट। ऑलराइट, ग्रेट, बिकॉज़ आई हैव सीन लाइक म्यूजिशियंस हैव लॉन्ग हेयर्स ना, गिटारिस्ट, दोस ड्रमर्स एंड तबला वादक, लाइक उस्ताद जाकिर हुसैन। यस यस, ग्रेट, लवली। सो आपने जैसे बताया कि आपने आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन रही, आपने जॉब भी किया, आपने कुछ बिजनेस भी ट्राई किए, राइट? तो आपने बहुत सारी चीजें वहां से सीखी, तो कोई एक कोर लेसन जो आपको लाइफ का अभी तक मिला, बिज गुरुकुल से पहले जो भी चीजें आपने करी उससे कोई आपको एक कोर लेसन आप बताएंगे, एक सिंगल लेसन? एक कोर लेसन वुड बी द सेम थिंग, मतलब एम्बिशन होना चाहिए लाइफ में, यू नो अगर तुम्हारा कोई एम्बिशन नहीं हुआ लाइफ में सो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, मतलब। और एक लेसन मेरे को पता है कब मिला था रोहित, मतलब एंड आई वुड वांट टू शेयर दिस विद आल्सो एवरीवन, मेरे को मेरा सबसे बड़ा लेसन तब मिला था जब मैं जॉब में था, जब मैं जॉब कर रहा था, मेरा जो स्केड्यूल था वो ऐसे ही, यू नो 10-12 घंटे का मेरा स्केड्यूल होता था, मैं ट्रैवल करता था आधा पौना घंटा बाइक में ट्रैवल करता था मैं, और 8-9 घंटे 10 घंटे की यू नो जॉब होता था और मेरे को वापस ट्रैवल करना होता था, और मैं टायर्ड इतना ज्यादा हो जाता था कि मेरे को मतलब हाफ ऑफ द टाइम मेरे को अपने जॉब में नींद आती थी बहुत ज्यादा। सो माय यू नो जो एक सीख मेरे को लाइफ से पता है कहाँ मिली, व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग बैक फ्रॉम, मैं अपने ऑफिस से जब मैं घर जाता था बाइक पे सो गया था। मैं बाइक पे सो गया था चलाते हुए, बिकॉज मैं इतना टायर्ड हो गया था, एंड आई फेल, आई बस्टेड माई नी, मेरा घुटना फट गया था और मेरे को स्टिचेस आ गए थे मेरे नी पे, एंड दैट इज द पॉइंट जो मेरा टर्निंग पॉइंट था, मेरे को वहां मेरे को सीख मिल गई कि मतलब यू नो रॉबिन तेरी लाइफ कहाँ जा रही है, क्या तू इसके लिए बना है, यू नो क्या तू इस चीज के लिए बना है, और क्या या तेरी लाइफ में और भी कुछ है, यू नो और डू यू वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स, समथिंग मोर फ्रूटफुल। सो वो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, इट गेव मी, मतलब मेरे को एक ना रियलिटी चेक मिल गया कि हाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, यस मेरे को थोड़े पैसे इकट्ठे करने हैं, मेरे को थोड़ा और मेहनत करना है मुझे, एंड आई वांट टू गेट इनटू बिजनेस, मेरे को कुछ अपना खुद का करना है मुझे, और वो और वहां से भी जब मेरा और एक बड़ा विजन है कि बिजनेस करके भी मेरे को यू नो लोगों को भी एक ऐसा यू नो एक ऐसी सिचुएशन में लेकर आना है कि वो भी सोच सके अपनी लाइफ के बारे में कि वो कहाँ लेके जाना चाहते अपने आप को, यू नो लाइक डू दे वांट टू जस्ट गेट स्टक इन द You know, जो क्योंकि 95% लोग हैं आज की डेट में ना वो एक सेम रैट रेस में लगे पड़े हैं, मतलब उनको
उनको ना वही सोचने का टाइम नहीं मिल रहा है, बिकॉज यू नो इतना फट 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 करके चीजें जा रही है ना, उनको सोचने का टाइम नहीं मिल रहा है. एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाई आई डिसाइडेड टू गो गेट इनटू बिजनेस. और वहीं से फिर आई वाज लाइक यू नो आई वांट टू चेंज मोर लाइव्स जो शायद इस सेम सिचुएशन में जा रहे होंगे राइट नाउ, यू नो जो एक डेली रट में लगे हुए हैं. एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाई मेरे को बिज गुरुकुल का जब मेरे को प्लेटफॉर्म मिला ना, एंड राइट नाउ व्हेन आई एम एट द हॉल ऑफ फेम और जब मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, आई एम सो सो हैप्पी कि मैं खुद कर पाया हूँ ये और मैं सिखा पा रहा हूँ लोगों को. लवली मतलब एक सेटिस्फैक्शन मिलता है मेरे को व्हेन आई यू नो जब मेरे टीम मेंबर्स का एक उनका पहला चेक आता है 2000 का, जब उनका 4000 का चेक आता है, 6000 का चेक आता है, 10000, 12000, 14000 का आता है, सो देन मेरे को ऐसा लगता है कि यस माय पर्पस ऑफ लाइफ इज समवेयर फुलफिल्ड, इट इज नॉट देयर बट मेरा ऑलमोस्ट इट इज रीचिंग देयर. So that is the one lesson that I learned from life. वो मेरे को एक lesson मिला था जब मेरा वो accident हुआ था, and I decided that मैं job एक limited time तक करूँगा, but इसके बाद मुझे you know I want to do business. और business करने के बाद जब मेरे पास एक अच्छा disposable income आ जाए, फिर वहाँ से मैं अपना passion follow कर सकता हूँ for music, for arts, for theatre, you know, because काफी सारे जो you know arts में जो काफी सारे लोग हैं ना वो नहीं कर पाते, because arts है ना, arts में लोगों को पैसा नहीं मिलता है. You know, creative people who are into music, who are into theater, they don't get paid. Unko paise nahi milte hain. So, and that is the reason why, jab main business bhi karna chah raha tha na, aur jab main apne personal Facebook account pe, jab main apna business promote kar raha tha, creative people pata kaise hote hain? Creative log aise hote hain ki agar tum kuch apne art se hatke kuch karoge na, to unko wo pachta nahi hai wo. You know, unko aisa hota hai ki tum kyun karte ho? Exactly. You know, वो लोग बोलते हैं कि तुम अपना पैशन क्यों नहीं फॉलो कर रहे. पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो? Exactly. पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो? You know, तुम अपना पैशन क्यों नहीं फॉलो कर रहे? और मैं उनको बता नहीं पाता था कि पैशन अलग चीज है और पैसा अलग चीज है. लाइफ में है ना, पैसा तुम्हें चाहिए होता है. पैसा चाहिए होता है बिकॉज यू नो, और हम लोग बहुत बार सुनते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं है. यस, पैसा सब कुछ नहीं है, बट पैसा तुम्हें वो खुशियां दे सकता है जो तुम्हें आगे जा यू नो आगे जो तुम्हें चाहिए. इट मेक्स थिंग्स इजियर फॉर यू. यस, क्योंकि तुम्हारा पेट वही भरेगा. तुम अपने फैमिली को पैसे से ही खिला पाओगे. यू नो जो उनको ब्रेड एंड बटर जो तुम दे पाओगे ना, वो तो पैसे से ही मिलेगी. और मुझे ही पता है लाइक यू नो जब तुम मिडिल क्लास एक फैमिली में होते हो, सो यू नो क्या क्या चीजें तुम्हारी यू नो तुम्हारे पेरेंट्स को फेस करना पड़ता है, वो सारी चीजें. बट एनीवेज Yeah, so that is my journey in short. तो इसमें आप कितने घंटे का investment देते हैं time का daily? आप कितने time काम करते हैं? आपने बोला कि job की तरह रखना है, कितने घंटे आप देते हैं सारे काम में? मैं इसको like 9 to 5 जैसे job होता है आपका, मैं 9 to 5 इसको करता हूँ. 9 to 5 में actually 9 to 8 भी चला जाता है, 9 to 9 भी चला जाता है. Because मेरे को है ना रोहित, मेरे को मतलब this is और ये आउट ऑफ पैशन आता है मेरे को, पता नहीं, बिज गुरुकुल की तरफ से. ठीक है, मतलब देयर इज समथिंग अबाउट बिज गुरुकुल दैट मतलब ये मैं 9 to 9 करता हूँ इसको. मतलब फुल 10 बजे मैं सिंड्रेला हो जाता हूँ. 10 बजे के बाद मेरे को नींद आ जाती है, मतलब उसके बाद मैं कर ही नहीं पाता हूँ कुछ. ठीक है, तो मैं 10 बजे आई गेट नॉक्ड आउट, फिर दोबारा सुबह उठ के आई डू इट. ऑसम, बढ़िया. और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ सो दैट आई गेट रिजल्ट्स फास्ट. यू नो मैं मतलब एक जॉब का वर्क शेड्यूल रखता हूँ ताकि मेरे को रिजल्ट जल्दी आए, ताकि इंस्टाग्राम एड्स उसको यूज कर सकूं, उसको लेवरेज कर सकूं और अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकूं. ठीक है, क्योंकि अभी अभी ऑर्गेनिक लीड्स आ रहे हैं मेरे पास. अब जब मैं एड्स पे स्पेंड करूंगा तो वो लोग आएंगे जो टारगेट पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन मार्केटिंग. सो जो भी मैंने अर्न करा है उसका 10% 25% मैं एडवर्टाइजिंग में लगाऊंगा. ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने बताया दैट इट कम्स आउट ऑफ पैशन. और सक्सेस लव स्पीड, बेसिकली आपकी बात समझ में है कि आपको शुरू में मैसिव एक्शन डालना ही पड़ेगा, तभी आपके पास जल्दी रिजल्ट आएंगे. एंड यही बहुत अच्छा जवाब है उन लोगों के लिए अगर वो इस ट्रेनिंग में और सुन रहे हैं जो सोच रहे हैं कि मेरी पहली सेल अभी तक क्यों नहीं आई या मैं जल्दी कैसे कमाऊं, उन लोगों के लिए. अच्छा रॉबिन, यहाँ पे जैसे एक इंसान के मन में सवाल आता है जब वो किसी दूसरे इंसान को देखता है कि उसने जल्दी कमा लिया, आप हो गए या बाकी अचीवर्स हो गए, तो लाजमी सी बात है एक हमारे नए एफिलिएट्स के दिमाग में सवाल आता है कि इनके पास या तो पहले के कॉन्टैक्ट्स रहे होंगे या ये तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं या ये तो कुछ अलग ही इंसान है, इनका बहुत अलग ही टैलेंट है,
मेरे पास तो ऐसा नहीं है, मैं कैसे हूँ, ऐसे लोग का क्या आंसर देना चाहिए? हर बंदा ना उसी फेस से शुरू करता है गाइस, हर बंदा। या आज की डेट में मैं जो हूं ना, मतलब आई स्टार्टेड, मतलब मेरा बिजनेस जर्नी है ना बहुत पहले शुरू हो गया था, ठीक है। और जब मैंने बिजनेस करा ना, इफ यू सी माय वीडियोस, अगर आप है ना मेरे जो वैल्यू बेस्ड वीडियोस है ना, मैं वीडियोस बना रहा था टिल अ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। और सितंबर तक, ठीक है, सितंबर तक मैंने रेगुलर वीडियोस बनाए थे, ओके। सितंबर में बिकॉज आई वॉज गेटिंग नो सक्सेस, मतलब कहीं मेरा कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था मुझे, मैं है ना, मैं आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली गाइस, और जो भी ये देख रहा है ना, मैं डिप्रेशन में आ गया था, यू नो, मतलब मेरा पता है। और सितंबर के बाद मेरा अगला वीडियो आया मार्च में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 months। मतलब मेरा स्केड्यूल क्या होता था कि मैं सोता था, मैं उठता था, मैं लूडो खेलता था, मैं खाना खाता था और सो जाता था, मैं नहाता नहीं था, मैं उठता था, लूडो खेलता था, खाना खाता था, सो जाता था, बिकॉज मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही थी, बिकॉज मेरे को कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, मेरा कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था, प्लस मेरे को डेट आ गया था बहुत ज्यादा, मतलब यू नो, बिकॉज आई वॉज इन्वेस्टिंग इन सो मेनी कोर्सेज, मतलब हजारों डॉलर्स के कोर्सेज लिए मैंने, और मतलब यू नो कितनी सारी चीजों में मैंने इन्वेस्ट करा और कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था मेरा, बट मेरे को और वन थिंग वॉज श्योर कि मेरे को गिव अप नहीं करना है। एंड मार्च में पता नहीं क्या हुआ, यू नो, और इन इस पूरे टाइम में आई वाज वाचिंग मोटिवेशनल वीडियोस, मैं देखे जा रहा था, मैं पढ़े जा रहा था कि यू नो कि मैं क्या मिस आउट कर रहा हूँ, मैं मतलब क्या मैं गलत लोगों के कांटेक्ट में आ रहा हूँ क्या, कि क्या मैं यू नो एक प्रॉपर सिस्टम नहीं ढूंढ पा रहा हूँ अपने लिए। एंड दैट इज द टाइम वेन इन मार्च किसी ने है ना बिज गुरुकुल का वेबिनार लिंक है ना ऐसे थ्रो आउट कर दिया था किसी ऐसी रैंडम ग्रुप में, मतलब एक प्रॉपर उन्होंने सिस्टम फॉलो नहीं करा था, उन्होंने एक ऐसी रैंडम ग्रुप में उन्होंने बिज गुरुकुल का वेबिनार लिंक थ्रो कर दिया था ऐसे ही। मैंने क्लिक करा, मैंने देखा, और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार आई थिंक चलो एक और शॉट देते हैं, लेट्स गिव दिस वन मोर शॉट, एंड दैट इज व्हाट चेंज्ड माय लाइफ गाइस। सो अगर आपको लग रहा है ना कि अभी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, मतलब उसका 10 times मैं गुजर चुका हूँ। And Rohit also, the one who's sitting in front of you, know, he's also gone through the same thing. So, agar aap kahin, aap apne aap ko please kisi se bhi compare mat kariye. That is the worst thing that you will do. Aap please apne aap ko grow karte rahiye. Kuch na, apne aap se puche ki aap, you know, kahan par miss out kar rahe hai, kya miss out kar rahe hai aap. And then work on it. Take action and work on it. Law of attraction. Wake up in the morning saying that, yes, I'm getting sales every day. I'm making 1 lakh rupees a month. Okay? Get or so ye with law of attraction. Yes, I'm getting sales every day. I'm growing every day. I'm earning 1 lakh rupees a month. But also remember that law of attraction has the word action in it in the end. Attraction has the word action in it. Kyunki agar aap action nahi lenge na, to aapki Bhagwan bhi help nahi kar payega. Rohit. Totally. Action is most important. Aur maximum log bas wahin pe piche reh jate hain. Ki एफर्ट लगाने की सोचते हैं बट जो कंसिस्टेंटली एफर्ट नहीं लगाते, जैसे आप हैं या जितने भी जो हमारे हॉल ऑफ फेम अचीवर्स, जैसे जब रितेश आए या उनसे पहले अमन आए, और उन सब लोगों ने सेम ही बात बोली कि हम बिज गुरुकुल का ही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं और उसी सिस्टम को हम रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, उसमें मेहनत कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, हेंस वी आर गेटिंग रिजल्ट्स। सो डू यू अग्री विद दैट? डू यू ऑल्सो फॉलो द बिज गुरुकुल सिस्टम, इट्स ट्रेनिंग्स, दैट पीडीएफ एंड ऑल दैट थिंग्स? Yes, yes, yes. मतलब मैं हटता नहीं हूँ, जैसे आपने शुरू में बोला ना रोहित, there is no secret sauce. You know, watch the movie Kung Fu Panda. अगर आपको है ना, अगर आप लोग animated movies देखते हैं ना, watch this beautiful movie Kung Fu Panda. उसमें है ना पैंडा को क्या होता है, पैंडा को है ना मतलब एक कराटे गाय बनना होता है, तो अपने मास्टर से पूछता है, मास्टर what is the secret sauce? मास्टर बोलता है there is no secret sauce. Just do the basic things and just keep doing it again and again and again. सिर्फ बेसिक चीज करो और उसको करते रहो बस। इन द एंड चलते कोई एक फाइनल मैसेज जो आप एफिलिएट्स को देना चाहेंगे? यस यस, एक लास्ट मैसेज मैं देना चाहूंगा, ठीक है। हम सबको नो से डर लगता है ना गाइस, जब कोई मना करता है आपको, ठीक है, जब कोई मना करता है ना, सो जब कोई मना करता है ना, डू दिस, यस, ठीक है, गो फॉर नो,
गो फॉर नो. जब आपको कोई मना करेगा ना, से यस, एक और ना मिला मुझे, ठीक है. एंड दैट इज द एटीट्यूड दैट यू नीड टू हैव इन दिस बिजनेस. यू गेट अ नो, से यस. यू गेट अ नो, यस. यू गेट अ नो, यस. यू गेट अ यस, ऑसम, मेक अ वीडियो. Right, that was the ultimate thing, like that was the cherry on the cake. Make a video. So the main funda by Robin Mathew is make videos. Because videos se Robin ko itne achhe results aa rahe hain aur aapko wo dar nikalna hoga apne andar ka aur aapko uske upar mehnat karni hogi. Thank you so much, ladies and gentlemen, for being with us. Thank you so much, Robin, for sharing such valuable words of wisdom with us and sharing all your secrets. And dosto, aap sabko bataya, as I've said in the beginning, winners don't do different things, they do things differently. चीजें वही हैं, fundamentals वही हैं, लेकिन कोई उसके ऊपर massive action ले रहा है, massive results आ रहे हैं, like Robin, तो कोई केवल सोच रहा है कि एक दिन action लूंगा, and he's just waiting, he's asking so many questions. So अब आपको देखना है कि आपको किसको follow करना है. Follow the right process, follow it in a unique way, जो आपको हर बार हमारी training से सीखने को मिलता है. Keep attending these training sessions, regularly trainings को attend करें, notes बनाएं, and मिलते हैं अगली बार, अगले Hall of Fame interview के अंदर. Thank you so much, Robin. Thank you, Rohit. Thank you for having me.